ब्रज धाम का करौड़ी मेला यानी मुड़िया पूर्णिमा मेला रविवार से शुरू हो गया। जिला प्रशासन ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की है, जिसे लेकर मेले को 6 सुपर जोन, 21 जोन, 64 सेक्टरों में बांटा है। सभी सेक्टरों पर उच्चाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मेले में अपने निजी वाहनों से आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने पार्किंग की समुचित व्यवस्था भी की है, लेकिन कई दिनों से आ रही बारिश से पार्किंगों में पानी भर जाने से अब प्रशासन के सामने समस्या खड़ी हो सकती है। वैसे जिला प्रशासन ने पार्किंग ठेका प्राइवेट ठेकेदारों को दिए हैं, जहां पार्किंग ठेकेदार पार्किंगों को सही करने में लगे हुए हैं, तो वहीं कई पार्किंग अभी भी ताला बंद हैं। वहीं दूसरी तरफ गोवर्धन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया है, जहां अब जरा सी भी बारिश समस्या खड़ी कर सकती है। जहां विकास प्राधिकरण के मोबाइल टॉयलेट निष्क्रिय खड़े हुए हैं, वहीं सुलभ शौचालयों में व्यवस्था भी ठीक नहीं है। वहीं जब इस मामले में अपने परिवार के साथ आए श्रद्धालु संजय कुमार और दिल्ली से आए श्रद्धालु अमित गुप्ता से बात की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ के प्रशासन की कोई खास व्यवस्था नहीं है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संजय कुमार सर, कहाँ के रहने वाले? दतिया जिला। अच्छा, यहाँ आए किस लिए आए हैं आप? परिक्रमा के लिए आए सर। कैसा लगा यहाँ आकर परिक्रमा? यहाँ आने में हम लोगों को एक असुविधा हुई अभी, कि यहाँ जो शौचालय बना हुआ है अभी सुबह यहाँ लाइट की पानी की व्यवस्था नहीं है सर, उसके लिए आदमी जा रहे हैं लौट के आ रहे हैं। सरकारी शौचालय बना हुआ है, पानी की व्यवस्था है, लाइट की नहीं, ये समस्या है। हम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना हुआ इसमें, और परिक्रमा तो अभी लगाएंगे, उसमें हम देखेंगे क्या कोई परेशानी है। अमित गुप्ता। कहाँ से आया? दिल्ली से। किस काम के लिए आए? परिक्रमा के लिए आए हैं, मगर बहुत ही टिपिकल है यहाँ पर, बहुत गवर्नमेंट का कोई इंतजाम नहीं है। गाड़ी वहाँ बड़ी गाड़ी 5-5 किलोमीटर गाड़ी दूर करके पैदल आ रहे हैं हम। कोई किसी तरह का कोई कन्वेंस, कोई किसी तरह का कोई आराम गवर्नमेंट तरफ से कुछ नहीं है। पुलिस वाले कोई मतलब कोऑपरेशन नहीं हम लोगों को, कि हमें कोई रिक्शा करा दे या कुछ बोल दे। अवेलेबिलिटी भी नहीं है ना, बहुत कम अवेलेबिलिटी है यहाँ पर पार्किंग के लिए। हम अननोन जगह खड़ी करके आ रहे हैं, करो कुछ हो गया गाड़ी को कौन भुगतेगा? गवर्नमेंट ने कहा तुमने क्यों खड़ी करी, मगर पार्किंग तो अवेलेबल करनी चाहिए इनको किस चीज़ के लिए। इस खबर के प्रायोजक थे जसवंत सिंह भदौरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी AICTE से मान्यता प्राप्त और प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबद्ध, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग डी फार्मा कंप्यूटर इंजीनियरिंग 12 PCM और ITI पास छात्रों को सीधा प्रवेश, 85% छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट, कैंप ऑफिस कोसीखुर्द भरतपुर रोड मथुरा। हमारा मोबाइल नंबर है 08979000125 08979000126। तो आज ही संपर्क करें जसवंत सिंह भदौरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मथुरा।